हेलो फ्रेंड्स, मैं नीलम आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल स्वाद कढ़ाई का। में आज मैं आपको एक पराठा बनाना सिखाऊंगी। इसे आप प्याज वाला नान भी बोल सकते हैं। और देखिए, इसमें इतनी सारी लेयर है और ये अंदर तक एकदम सिका हुआ पराठा है। एक तो आइए इसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक बर्तन में हम 1 चम्मच ईस्ट ले लेंगे, इसे खमीर भी बोलते हैं, और इसके अंदर थोड़ा सा गुनगुना पानी डालेंगे। आपने गर्म पानी नहीं डालना है, गुनगुना पानी डालना है, और इसको मिक्स करके हम 5-7 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। ये देखिए, जब ये ऐसा हो जाए तो यानी कि खमीर अपना काम कर चुका है। अब इसके अंदर हम थोड़ा सा नमक डालेंगे। खमीर को थोड़ी देर के लिए रखना जरूरी होता है ताकि जो पराठा है अपना अच्छी तरीके से शेप में आ सके। अब 2 चम्मच इसमें मैदा डालेंगे। और इस मैदे को हल्के गुनगुने पानी से मैश करेंगे। और अच्छी तरीके से इसको गूंदते चले जाएंगे। ये एक बार में आपका ठीक से नहीं गूंदेगा, तो आप इसको अच्छी तरीके से मैश करने के बाद पानी लगा के छोड़ दें। अब हम इसको आधे घंटे तक रखेंगे। आधे घंटे बाद फिर हम इसमें एक बार इसको फिर मुक्के लगाएंगे। ये थोड़ा सा तेल डाला हमने और फिर मुक्के लगाएंगे। इसमें कॉमन चीज ये है कि जो चीज जल्दी बन जाती है, जरूरी नहीं कि वो स्वाद बने, लेकिन थोड़ी मेहनत वाली चीज जरूर टेस्टी बनती है। थोड़ा सा इसमें टाइम ज्यादा लगेगा, पर ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं। अब हमने जितना भी मैदा गूंदा था, इसके 2 हिस्से कर लेंगे। इन पराठों को बारीक ना बनाएं, ये पराठे थोड़े मोटे मोटे ही अच्छे लगेंगे। अब ये देखिए, हमने मैदा फैला लिया, और इसको जितना बड़ा हो सके आप बेल लें। चारों तरफ से बेलेंगे ये, और इसको बेल कर बड़ा करते चले जाएंगे। ये देखिए कितना बड़ा हमने रोटी को बेल लिया। अब इस बड़े बेस के ऊपर हम मेल्ट किया हुआ मक्खन लगाएंगे। मक्खन लगाने में कंजूसी ना करें, क्योंकि फिर जो इसमें करारापन है वो नहीं आएगा और ये क्रिस्प नहीं बनेगा। अच्छी तरीके से फैला लें। ये जब मक्खन को अच्छी तरीके से फैला लेंगे, और उसके बाद ये देखिए हमने कितनी बारीक प्याज काटी हुई है, लच्छेदार, और इसको बारीकी से ही फैलाएंगे। ये नहीं कि आप ज्यादा सी प्याज इसमें डाल दें, थोड़ी थोड़ी प्याज फैलाएंगे। हरी मिर्च लेंगे, हरी मिर्च भी हमने बहुत बारीक काटी हुई है। और ये हरा धनिया है, इसको भी स्प्रिंकल करेंगे।
ये हमने नमक लिया है, नमक को थोड़ा थोड़ा फैला देंगे। वैसे तो जब हमने मैदा लिया था तो उसमें भी नमक डाला था, लेकिन वो फ्लेवर अच्छी तरीके से उठ कर नहीं आएगा। थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर भी डालेंगे। और इसको धीरे धीरे रोल करते चले जाएंगे। ये मैदा बहुत ही सॉफ्ट है तो धीरे धीरे करेंगे। ये रोल हो गया। अब इसको रोल करने के बाद अच्छी तरीके से घुमा के और फिर दूसरी साइड से रोल करते हुए आ जाए। जब आपने ये फैमिली के लिए बनाने हो तो आप इस तरीके के पेड़े बनाकर एक साइड रख दें और इकट्ठे सेकते हुए चले जाएं। इस तरीके से पेड़े बना बना कर रख लें। और अब मैं आपको सिखाने के लिए एक परी करके दिखा रही हूँ। और ये देखिए, पहले बेलन का डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं करेंगे, उंगलियों से जितना ज़्यादा हो सके उतना बड़ा आप ये पराठा फैला लें। ये देखिए, और इसको हाथ पर लेकर हथेली से फैलाने की कोशिश ना करें, नहीं तो जो इसकी लेयर आपने जोड़ी है आपस में रोल कर करके वो सारी खुल जाएंगी। ये इतना बड़ा हो गया, अब चाहें तो इसे आप बेल लें। बहुत हल्के हाथों से बेलना है। और इसको ज्यादा पतला करने की कोशिश ना करें। ये फैलाएंगे इसको। ये देखिए, गोल शेप आ गई है इसकी। और इधर ये हमारा तवा भी गर्म हो चुका है। अभी हम इसको सेकेंगे। इसको जब हमने बेला है तो ये नहीं है कि इतना सारा हमने इसमें भरावन भर दिया है कि वो देखना पड़े कहाँ है कहाँ नहीं है। बहुत ही लाइट लाइट स्प्रिंकल किया है। हम देसी घी लगाए एक साइड इसके। ये पराठा देसी घी में ही बनाए, क्योंकि जो इसकी खुशबूदार और ये टेस्ट आएगा वो आपको देसी घी में ही आएगा। ये देखिए, इधर से सिक चुका है। और हम इस तरफ भी घी लगा लेंगे। इस पराठे को ट्राई जरूर करें। अगर ये आप घर में बनाएंगे और खिलाएंगे, लोग आपकी कुकिंग के दीवाने हो जाएंगे। अच्छी तरीके से सेक लेंगे, पलट के देखेंगे। और जहां जहां से आपको लग रहा है कि ये कच्चा है और करारापन नहीं दिखाई दे रहा, उसको दबा दबा के सेकेंगे। ये देखिए, एकदम परफेक्ट सिक चुका है ये। इसको मेहनत से बनाए और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मेरी अगली डिश के साथ आप जुड़े रहें। तो जरूर बनाएंगे ना इसे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।